मुझ में तो बहुत अच्छे संस्कार भी आ गए हैं, लेकिन भाभी अगर तुझ में संस्कार होते ना तो तू अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं करता। मुझ में संस्कार है इसलिए मैं आपसे उसी लहजे में बात कर रहा हूँ जिस लहजे में आप सुनना पसंद करती हैं। सुनाइए तो। ओ पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। अच्छा, हो खाम खा क्यों विक्रम तेरे बहम सा बढ़िया। चरित्र सही नहीं है। मेरे चरित्र पर उंगली उठाने का तेरा कोई हक नहीं है। मैं तेरा चरित्र जीभ खींच लूंगी तेरी, अपनी जबान को लगाम दे ले। जीभ तो तू बेशक खींच ले, लेकिन हमारी इज्जत को मत घसीटे इस संसार में। मत बांधे
है। ये जरूरी नहीं कि जिस आदमी का गला सच्चाई से सूख रहा है उसको झूठ का लिबास उठा दिया जाए। अच्छा हाँ, जो झूठ बोलता है जिसके अंदर पाप होता है वही घबराता है, उसी का गला सूखता है। जिनको रोज की झूठ बोलने की प्रैक्टिस होती है ना, उनका गला नहीं सूखता। जो और क्या, तू ही तो देता है मुझे प्रैक्टिस। जो सत्य बोलते हैं उनका गला सूख जाता है। अच्छा हाँ, क्या अपनी बात देखी भाभी, वो जो सही था वो तुझे खींच करके अंदर की तरफ ले जा रहा था। और क्या हाँ, तेरे तो कैमरे लगा रखे थे उन पे। मन देखी कुछ देखा या नहीं देखा, लेकिन आवाज मेरे कानों में गई है। अगर तूने सच में ही कुछ देखा है तो इस बात को यहीं तक रखना, अपने भाई को मत बताना। ये सच्चाई है साथियों, महिला जो होती है वो बहुत चतुर होती है। मैंने पहले भी एक शेर कहा था कि नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सौरंगी है, ढक ले तो कुल को ढक ले वरना नंगी की नंगी है। हाँ, वैसे तो तू पूरा ज्ञानी है। ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत अल्प आयु में ही ज्ञान की अनुभूति हो चुकी है। हाँ, मुझे ज्यादा तो हो सकता है ज्ञान नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान जरूर है ना। तुझे कई वेदों का ज्ञान है। नहीं, मैं वेद पाठी तो अपने आप को नहीं कह सकता अभी, लेकिन जो तू खाने का कहेगा ना वो ही खाने के लिए बनाऊंगी। अच्छा, अपने भाई को मत बताना। जूती लत्ता बना रही है भाभी अब तो। सुन ले।